अब बच्चों इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। बेटा आप ध्यान दो, यहाँ हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। बेटा हम यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्या होती है प्रॉपर्टी? बाहर बनने वाला एंगल उस एंगल से दूर बनने वाले ट्राइंगल के जो एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। ये बेटा बाहर बनने वाला एंगल एक्स, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। दूर कौन से एंगल है बेटा इस ट्राइंगल में? इस एंगल को छोड़ो तो दूर एंगल बेटा ये है। इन दोनों के सम के ये क्या होता है? इक्वल। तो दोनों को आप जोड़ दो, कितना आ गया? 120 डिग्री। ये आ गया बेटा एंगल एक्स। इधर चलो वही बात, ये बेटा एक्सटीरियर एंगल है। अंदर बनने वाले दूर वाले एंगल ट्राइंगल में उनके बेटा सम के क्या होगा? इक्वल। तो बेटा इन दोनों को आप जोड़ दो, एंगल एक्स आया 110 डिग्री। अब बच्चों आपको एंगल एक्स निकालना है। एंगल एक्स बेटा इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। कर देते हैं, दोनों एंगल को जोड़ देते हैं, एक्स इक्वल टू 70 डिग्री। अब बच्चों हम यहां पता करेंगे एंगल एक्स क्या होगा। ये बेटा एंगल एक्स कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है। तो बेटा ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो कर देते हैं 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, एक्स इक्वल टू 120 डिग्री। अब इधर चलो आप ध्यान दो बेटा, इस ट्राइंगल में बेटा ये एंगल एक्स एक्सटीरियर एंगल है। तो बेटा एंगल एक्स कैसे निकालोगे? इन दोनों के सम के इक्वल होगा। कर देते हैं एंगल एक्स इक्वल टू 100 डिग्री। अब बच्चों आप ध्यान दो, हमें एंगल एक्स निकालना है। एंगल एक्स बेटा एक्सटीरियर एंगल है, कैसे निकलेगा? इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। कर देते हैं 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, एंगल एक्स आया बेटा 90 डिग्री। इस तरह से बेटा आज हमने एक्सटीरियर एंगल निकालना सीखा।